आज आपकी बारी है, आपको उनको जाके उन्हें ये बात बतानी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर कोई पार्टी है ये 370 हटा तो ना यहाँ कोई आजादी की बात करेगा, ना कोई आपको अलायदगी पसंद वाला मिलेगा, और ना यहाँ आपको कोई बंदूक वाला मिलेगा। अच्छा, हम तो सब बंद थे, कोई गेस्ट हाउस में, कोई जेल में, कोई घर में। बड़ी मुद्दत के बाद हमें अखबार और टीवी देखने को मिला, लेकिन बीच बीच में सुनते आए कि ना ये कहा जा रहा है 370 को लेकर। मैंने कहा ठीक है ना, शायद हम ही गलत, शायद हमें ही गलतफहमी होगी कि हाँ जी 370 ने ही सारा यहाँ पे माहौल बिगाड़ा रखा था। मैंने कहा ठीक है, अगर इन्होंने किया, अब देखते हैं क्या होता है। हम भी चाहते हैं यहाँ के लोग तरक्की करें, हम क्यों तरक्की के बीच में रुकावट बने। हम भी चाहते हैं कि यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिले। अगर हमारे नारे से यहाँ के नौजवानों के रोज़गार पर असर पड़े तो ठीक है, फिर इनको रोज़गार मिलना चाहिए। अगर 370 की वजह से यहाँ बंदूक है तो ठीक है, फिर बंदूक भी बंद हो जाए। लेकिन आज 2021 नवंबर, मतलब दो साल, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, दो साल तीन महीने, लगभग चौथा महीना अब शुरू होने वाला अगले हफ्ते, मैं मजबूर होता हूँ पूछने पे जनाब कि बताइए इन दो साल चार महीनों में आपने इनमें से कौन सी चीज हमें साबित करके दिखाई? आपकी पार्टी कितनी तैयार है, लेकिन अगर अमरनाथ से पहले इलेक्शन की बात हो रही है और आपकी पार्टी कितनी तैयार है? अगर देखा जाए डिलिमिटेशन की मीटिंग सिर्फ एक ही बार यहाँ पर हुई है, आपको लगा कि अंदर अंदर से बीजेपी को फायदे देने? इलेक्शन की तैयारी करना और इलेक्शन कराना, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। हमारे इलेक्शन तो वैसे भी बहुत ज़्यादा डिले हुए हैं। 2014 में इससे पहले असेंबली के इलेक्शन हो गए थे, अब 7 साल हो गए हैं इलेक्शन को किए हुए। हम तैयार हैं, जैसे ही इलेक्शन का ब्यूगल बजेगा हम अपने उम्मीदवार जो हैं मैदान में उतारेंगे, और उसके बाद लोगों तक है ना, लोग हमारे साथ कहाँ तक चलने के लिए तैयार होंगे, हमें उनको कन्विंस करना है उसके लिए। आप उमर अब्दुल्ला इंतखाबात में हिस्सा लेंगे या नहीं? जहाँ तक डिलिमिटेशन का सवाल है, डिलिमिटेशन सियासी बुनियाद पर नहीं की जानी चाहिए। डिलिमिटेशन के लिए बेसिस सिर्फ और सिर्फ आपका सेंसस है। सेंसस के डेटा के मुताबिक आप लोग, वो भी 2011, क्योंकि इस साल का सेंसस हुआ नहीं है, 2011 के सेंसस के मुताबिक जो डेटा कहे उस हिसाब से आप फैसले कर लीजिए, उसमें फिर किसी को एतराज़ नहीं हो सकता। आप उमर अब्दुल्ला इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं? लेकिन आपको डोडा से उसमें क्या मतलब है ना? नहीं लड़ना चाहेंगे वो, तो उससे डोडा को क्या लेना देना? मैं कश्मीर वहाँ बीरवा से इलेक्शन लड़ा हूँ। दिल्ली में आपकी पार्टी जम्मू कश्मीर के हवाले से बताती है कि हम हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान के साथ हैं, और कश्मीर में कहते हैं कि कश्मीर हमारा, जैसे कि आपका तराना है कि लहराएगा कश्मीर का झंडा, लहराएगा हिंदुस्तान का झंडा क्यों नहीं लहराएगा? किसने कहा हिंदुस्तान का झंडा नहीं? मगर आपका तराना यही है ना कि लहराएगा कश्मीर का झंडा, लहराएगा जम्मू कश्मीर का भी झंडा लहरा दिया। लेकिन ये क्या है मतलब, इससे आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे दो झंडे थे, लेकिन हमने अपने झंडे को लहराते हुए क्या हिंदुस्तान का झंडा नीचे किया? आप मुझसे सवाल कर रहे हो क्या 15 अगस्त को मैंने कौन सा झंडा चढ़ाया? ना मुल्क का चढ़ाया या रियासत का चढ़ाया? क्या चढ़ाया मैंने? कौन सा झंडा चढ़ाया मैंने? हिंदुस्तान का झंडा, ठीक है। 26 जनवरी को कौन सा झंडा चढ़ाया मैंने? हिंदुस्तान का, ठीक है। और फिर 13 जुलाई को कौन सा झंडा चढ़ाया मैंने? हिंदुस्तान। तराने में क्यों है? तराने में क्यों है? तराने में क्यों है? क्योंकि हमारे रियासत का झंडा है ना, हमारा हक है उस रियासत के झंडे को लहराना। पार्टी का वादी चुनाव में कश्मीर में पॉलिटिकल पार्टी जो लोग सारे उनका निशाना आपकी पार्टी है और पीडीपी। मैं समझा नहीं, क्या हम धोखे की सियासत नहीं करते? हम गलत चीज़ को सही नहीं कहते और सही चीज़ को गलत नहीं कहते।
जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, जो सच है उसको झूठ में तब्दील नहीं किया जा सकता, और जो झूठ है उसको जितने भी आप रंग बदल दो, जितनी बार भी आप उसको दोहराओ, उस झूठ को सच में भी तब्दील नहीं किया जा सकता। लेकिन बदकिस्मती से हमारे कुछ हुक्मरान को बार 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 एक चीज़ दोहराने की आदत हो गई, इस उम्मीद के साथ कि शायद उनका झूठ जो है, जब यहाँ जम्मू कश्मीर की खसूसी पोजीशन को ख़त्म किया गया, जम्मू कश्मीर रियासत को ख़त्म किया, जम्मू कश्मीर रियासत के दो हिस्से हुए और दोनों को यूपी का दर्जा दिया गया, तो तरह तरह के उस वक्त वजूहात दिए गए कि क्यों ऐसा कदम उठाना उनके लिए ज़रूरी था। कहा कि जम्मू कश्मीर में बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और इसलिए हमें 370 हटाना पड़ रहा है ताकि यहाँ पे लोग जो है बाहर से पैसा लाएंगे, लगाएंगे और जम्मू कश्मीर की तरक्की होगी। कहा कि मरकज से पैसा आता है लेकिन वो पैसा ज़मीनी सतह पे खर्च नहीं होता, गायब हो जाता है, और यहाँ की तरक्याती कामकाज में तेज़ी लाने के लिए हमें 370 को जो है उड़ाना है। कहा कि यहाँ के नौजवानों के पास रोज़गार नहीं है और 370 जो है यहाँ के नौजवानों और रोज़गार के दरमियान एक रुकावट बनी हुई है, 370 हटेगा रोज़गार के दरवाजे भी खुलेंगे। फिर कहा कि यहाँ अलायदगी पसंद जो सोच लेके चलने वाले लोग हैं वो भी 370 के वजह से ज़िंदा है। कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में और बिलखसूस कश्मीर में बंदूक का असर है, अगर वहाँ पे मिलिटेंसी है, तो मिलिटेंसी सिर्फ और सिर्फ